नमस्कार शाखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज चौथा दिन है जनता किचन का। जैसे हम आपको रोज़ बता रहे हैं कि जनता किचन 31 नंबर वार्ड में कमलेश यादव जी द्वारा जो रखा गया है, रोज़ जनता यहां पर आके भोजन का लाभ लेती है। आज हम आपको बताएंगे कि गोपाल शेट्टी जी यहाँ के खासदार, जिनके मार्गदर्शन में ये जनता किचन की शुरुआत हुई है, उनके ही मार्गदर्शन में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हुई है। देखिए आप क्या कहेंगे हमारे खासदार गोपाल शेट्टी। सर, आप सबसे पहले अपने जनता को क्या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं जनता को यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर कार्यकर्ता, नगर सेवक, हमारे विधायक सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। सभी जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं जनता से इतना अपील करूंगा कि भागदौड़ न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हमें जो संदेश दिया, उसका हमको पालन करना है और ये संकट से हम सब लोग मिलकर बाहर निकलेंगे। किसी ने भी डरने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारी मुंबई महानगर पालिका, सभी लोग अपने अपने ढंग से लोगों को मदद करने का, लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसके नीचे के स्तर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और लगभग सभी पार्टी के, ये एक ऐसा समय है जिसमें सारे लोग अपने मतभेद, पार्टी के सोच विचार को बाजू में रखकर काम में लगे हुए हैं। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो आदेश है उसका हमने 100% पालन करना चाहिए। जिसको भी किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता लगेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं को आप फ़ोन करिए, वो आपको स्कूटर पर घर पे भी सारी व्यवस्थाओं को पहुंचाने का प्रयास चालू है और आने वाले दिनों में इस आवश्यकताओं को हम और तेज़ी से और निचले स्तर पर कैसे पहुंचकर लोगों का हम मदद रूप बने, इसका हम निश्चित प्रयास करेंगे। आपके मार्गदर्शन में कमलेश यादव जी ने जो शुरुआत की थी 4 दिन पहले, जी हाँ, आज यही के लोग 31 नंबर के नहीं लेकिन बाकी के वार्ड के भी लोग यहाँ पे आके भोजन लेके जाते हैं और किसी से कुछ पूछा नहीं जाता। नहीं, सभी जगह पर कर रहे हैं हमारे। मैं भी 12 तावड़े के वहाँ से आ रहा हूँ, बोरेली में बड़े पैमाने पर है, दहिसर में है, कांदोली विधानसभा में, मलाड और ख़ास करके मालोनी, अम्बोजवाड़ी जैसे एरिया में भी हमारे कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, रातौड़ी में पहुँच रहे हैं। मैं कल 2 जगह पर जाकर आया। हमारे विनोद सेलार जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कल ये व्यवस्था की। लोगों को अनाज बांटने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। खास करके कलाम साहब जो हमारे ब्लाइंड लोगों की व्यवस्था को देख रहे, हमारे यूनुस खान जो जिला के वाइस प्रेसिडेंट है, वो घर घर पर फूड पैकेट का जो किट है, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, चावल, शक्कर, दाल, ये सारी व्यवस्था ब्लाइंड लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। आप द्वारा कहां कहां अनाज बांटा जाएगा? अब अनाज तो लगभग सभी जगह पर बांटी जा रही है। सरकार के माध्यम से जो 2 रुपया और 3 रुपये में जो भी चीज़ें बांटनी है, वो आज से कल से बड़े पैमाने पर प्रारंभ होगा। एक बात को हमको ये जानना है कि देखिए, जब ये इस प्रकार का संकट आता है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी। लोगों ने यह बात की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि फ़ोन कर दिया और लोग हमारे घर के सामने आके खड़े हो जाए। है परेशानी है, लेकिन परेशानी में से भी हमने रास्ता निकलना चाहिए। दैनंदिन जीवन में हम सवेरे शाम को 2 बार नाश्ता और 2 बार भोजन करते हैं। ऐसे समय पर मैं मानता हूँ कि 1 बार भोजन और 1 बार नाश्ता का भी अगर व्यवस्था हो जाएगा तो लोगों ने समाधान मानकर आगे का रास्ता, जो भी काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सहूलत किस तरह से हो, इस बारे में भी सोचना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति ने अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें देने की आवश्यकता है और लोग दे रहे हैं। नहीं, अभी तो लगता नहीं है, लेकिन ये तो सारे देश के प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। देश की सारी स्थितियों को देखकर वो जो भी निर्णय करेंगे, उस निर्णय का हमको पालन करना है। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड दिया है उसको हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अब जरा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी आप देख सकते हैं कि हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर आए हैं और खुद अपने हाथ से खिचड़ी देने का भी काम कर रहे हैं। अब देखेंगे कैसे यहाँ पे सर्कल्स किए हैं और कैसे बता रहे हैं। थैंक यू।
हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लोग छोटे से डब्बे में भी लेके जा रहे हैं, बड़े वाले में भी, और कई लोग बाल्डिया में भी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर नहीं, आप कहाँ से आए भाई? मैं बस इधर ही पास में रहता हूँ, हमारे नगर सेवक जी के एरिया में ही रहता हूँ। तो गरीबी का भी कैसा है कि एक बंद होना पड़ा, तो इसके वजह से हम लोग को ये कदम उठा। अच्छी मिल रही है? नहीं नहीं, बहुत जो कुछ भी मिल रहा है सब भगवान की दया से बहुत अच्छा मिल रहा है, और अच्छा सहयोग भी है इससे हमको, क्योंकि एक टाइम यहाँ से हो जाता है तो एक टाइम अगर हम घर पे नमक रोटी जो है तो वो अगर निकालते हैं ना, तो हमारा लॉकडाउन कैसा भी आराम से घर में बैठे बैठे टाइम पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने सुना कि एक टाइम की भी मिली तो एक टाइम तो हम निकाल सकते हैं। अंकल आप टोप लेके आए हैं, कितने परिवार के लिए लेके जाएंगे खाना? चार आदमी के लिए स्टॉक में दो टाइम का खाना? नहीं, एक टाइम का खाना। अच्छा, आप रोज लेके जाते हैं यहाँ से? रोज लेके जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? ओ, शटरिंग काम किया। अच्छा, हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ के नगर सेवक रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए लाइन के बीच गए हैं। ये चौथा दिन है, अब देख सकते हैं यहाँ की क्राउड बना हुआ। ये कैसा चीज है, सभी जरूरतमंद व्यक्ति को ही लगातार ध्यान रखें। कैसा लग रहा है मैडम इस कार्यक्रम में शामिल होकर? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, रोज आ रहे हैं दिखा रहे हैं। कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में भी लोग बाहर आए हैं खिचड़ी लेके जाने, तो हम सोच सकते हैं कि परिस्थिति क्या है। ऐसे परिस्थिति में तो इनको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि कोई तो इन्हें मदद करे और खाना दे। अगर इतने धूप में अगर कोई उतरता है तो उनकी हालत हम समझ सकते हैं। ये सब छोड़ के हम आपको और एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि चलते फिरते भी यहाँ पे नगर सेवक जी काम कर रहे हैं, कमलेश यादव। उनके लिए साइन करने के लिए पीछे उनकी स्टाफ खड़ी है और वो अपना काम यहाँ पे रोड पे भी करके दिखा रहे हैं। हम उनको उनसे जानना चाहेंगे चौथे दिन में उनकी क्या राय है कि गोपाल शेट्टी जी आके गए हैं जिनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा कार्य हो रहा है। कमलेश यादव जी से दो बातें सुन लेते हैं आज भी। सर, जनता किचन का चौथा दिन है यहाँ पे, आज भी लाइन उतनी ही हम देख रहे हैं, उल्टी बढ़ गई है ऐसे लग रहा है, लोग और ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जनता की मूलभूत ज़रूरत है उसका पेट, तो सभी लोगों को उनका ज़रूरत है उनके वो खाना मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए जो भी ज़रूरत बन पड़ रही है जो भी। हाँ अतुल भाई, अरे इसमें है ना सर, ग्रुप में, नगर सेवा ग्रुप में, मैं दो मिनट में देता हूँ सर, दो मिनट बिजाई में एक सर। हाँ, करता हूँ। तो हमारे सभी नागरिकों को जो जिनको ज़रूरत है, ये किसी के लिए हमने बंद नहीं रखा है कि किसी एक के लिए,
जिनको भी ज़रूरत है सारे लोग आ रहे हैं और जितना उनको ज़रूरत है उतना सारा खाना हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार बगैर खाए नहीं रहे, किसी को समस्या नहीं हो। जितना बन पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी चारकों विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 की तरफ से करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मालवनी से भी कल आए थे लोग जो यहाँ से बाल्टी भर के मालवनी में खाना लेके गए हैं, अम्बुजवाड़ी ले जाते हैं, पोईसर ले जाते हैं, जहाँ भी लोगों को ज़रूरत है, जहाँ भी तकलीफ होती है, जो भी आता है हम उसकी जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, ठिकान नहीं पूछते, सिर्फ हमें पूछते हैं कि आपको खाना चाहिए, आप खाना ले जाइए, कितने लोगों के लिए खाना चाहिए उतने लोगों को आप खाना ले जाइए। आपने देखा कि कमलेश यादव जी ने अभी जैसे कहा कि हम जात धर्म कुछ नहीं पूछते हैं, जितने लोगों का खाना चाहिए उतने लोगों का खाना लेके जाइए, और यही यहाँ पे चल रहा है लास्ट 4 दिन से, क्योंकि हम रोज़ आ रहे हैं, हम रोज़ देख रहे हैं लोग कम होने की जगह बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, और जो लोग बाहर लेके जा रहे हैं वो तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे क्योंकि उन लोग आके बाल्टी में लेके जा रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं उनकी भी मदद की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।